Good morning, students. Today we will do numericals of one row factor. So let's start with the first one. Calculate amount of KCl which must be added to water so that freezing point is depressed by 2 Kelvin Kf given है. ठीक है? अब one row factor के numericals में क्या होता है कि I की value लिखनी होती है. और question में आपने ये देखना है कि अगर तो उसने degree की बात की है, degree of dissociation और degree of association. तो इसका मतलब है जो भी इलेक्ट्रोलाइट गिवन है वो स्ट्रांग नहीं है या कह लो कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं है. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ, ना अल्फा की बात की है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कुछ भी नहीं दिया हुआ. ठीक है, सो इसका मतलब हम सपोज करके चलेंगे कि जो KCl है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट है. ठीक, अगर KCl कम्प्लीट डिसोसिएशन देगा तो जैसे मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर की थ्योरी में कराया था कि KCl है तो KCl कैसे डिसोसिएट होता है, K प्लस Cl नेगेटिव. अगर इसका एक मोल डाला तो इसका भी एक, इसका भी एक, तो कितने हो गए 2. सो I की वैल्यू इसके लिए कितनी है 2. ओके, अब देखो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ KCl, इसका मीनिंग क्या हुआ कि WB हमें नहीं पता. अमाउंट ऑफ KCl विच मस्ट बी एडेड टू वॉटर सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय, तो ये क्या दे दिया डेल्टा टी एफ, कितना हो गया 2 केल्विन. केएफ गिवन है हमें 1.86. सो आपको पता है कि डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैरिटी. सो केएफ की वैल्यू है 1.86, मोलैरिटी हमें नहीं पता, डेल्टा टी एफ गिवन है 2. सो यहां से मोलैरिटी आ जाएगी 2 / 1.86. क्लियर, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास मोलैलिटी की. अब मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी का मतलब अगर हमें मोलैलिटी पता है तो मोलैलिटी का मींस हमें मोल्स पता है, तो मोल्स मोल्स किसके इक्वल होते हैं, सो मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स. मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास अपॉन मोलर मास. तो मोल्स हमें पता है कि 2/1.86 है जो वो मोल्स है. मास हमने फाइंड करना है, WB फाइंड करना है हमने, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास. अब KCl है, KCl का मोलर मास कितना होता है, पोटेशियम का होता है हमारे पास 39, क्लोरीन का होता है 35.5. सो ये कितना आ जाएगा, मास ओवर 74.5. ठीक है, तो यहां से क्या है सिंपल कैलकुलेशन, तो मास की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट टाइप कि जिसमें कंप्लीटली डिसोसिएट है जो इलेक्ट्रोलाइट गिवन है. ठीक है, अब देखते हैं इसकी अलग अलग टाइप की और किस किस टाइप के ये न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर के. ठीक है, तो देखो 3 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए इन 100 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन गेव एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.5 एटमोस्फेयर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूट, एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड. जब मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर करवाया था तो वहां बताया था कि अगर तो हमारे पास जो मोलर मास होगा अगर वो ज्यादा आ रहा है, सपोज करो कि यूरिया का मोलर मास हमारे पास है 60, अगर 60 से वैल्यू हमारे पास ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि वो डिसोसिएट सॉरी एसोसिएट हो गया. ठीक है, क्योंकि मोलर मास ज्यादा आ रहा है. और अगर हमारे पास मोलर मास की वैल्यू कम आ रही है इसका मतलब उसकी नेचर कौन सी होगी, डिसोसिएटेड. ठीक है, सो ये जो मोलर मास दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंपेरिजन के लिए दिया है कि आप पहले एमबी फाइंड करोगे इस क्वेश्चन में से, और जो एमबी आएगा दैट इज योर ऑब्जर्व्ड एमबी और वी कैन से ऑब्जर्व्ड मोलर मास, उसको आप नॉर्मल मोलर मास से कंपेयर करके देखोगे कि ये ज्यादा है या कम है. अगर ज्यादा होगा तो एसोसिएटेड, अगर कम होगा तो डिसोसिएटेड. ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का हम सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी एन बाय वी आर टी डब्ल्यू वी ओवर एम बी आर टी इंटू वी. ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप एम बी फाइंड करो, जैसे आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के पहले न्यूमेरिकल किए हैं तो एम बी आ जाएगा. एम बी को कंपेयर करो कि 246 से कम आया या ज्यादा, सो उसके बेस पे उसकी नेचर पता लग जाएगी. ठीक है, सो ये थी सेकेंड टाइप. अब देखते हैं थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल. ओके, नेक्स्ट देखो, a solution containing 0.5 gram of KCl dissolved in 100 gram of water freeze at -0.24 degree Celsius. Calculate percent ionization of salt.
सो सबसे पहले देखो हमने फाइंड क्या करना है, परसेंट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मींस इसका मीनिंग है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फाइंड करो। पहले क्या होता है वो अल्फा, जो जितने भी फॉर्मूलाज आपने किए हैं उसमें से पहले आप क्या फाइंड करोगे, अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। उसके बाद जो डिग्री आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर दोगे, परसेंट में, ठीक है। सो हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा। अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आई की वैल्यू। क्या चाहिए, आई की वैल्यू। अब देखो अगर अल्फा और आई दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सोचोगे कि केसीएल है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि केसीएल आई, केसीएल ने डिसोसिएट होना के प्लस सीएल नेगेटिव आयन में, तो उसके हिसाब से आई की वैल्यू आ गई 2। लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज अल्फा की बात हो रही है। अल्फा का मतलब क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड और कम्प्लीटली एसोसिएटेड नहीं है, वो थोड़ी बहुत एसोसिएशन है, थोड़ा डिसोसिएट है। तो कितना डिसोसिएट है ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे, क्लियर। सो अल्फा का मीनिंग ये होता है कि इतने परसेंट डिसोसिएट है या इतने परसेंट एसोसिएट है, जैसे प्रेजेंट केस में वो डिसोसिएट होगा, ओके। सो अब देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले 0.5 ग्राम, ये क्या है हमारे पास, डब्ल्यू बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम, जैसे 100 ग्राम डब्ल्यू ए हो गया, फ्रीज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। ये हमने सीधा वैसे ही करना है जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का किया था, क्योंकि फ्रीजिंग की बात हो रही है। ये क्या हो गया हमारे पास, टीएफ -0.24 डिग्री सेल्सियस। और जो टीएफ नॉट होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सो आपको पता है कि डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो टीएफ नॉट 0 है माइनस, और ये भी माइनस में है, -0.24, तो वैल्यू आ गई हमारे पास +0.24 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया डेल्टा टीएफ। केएफ गिवन है, ये देखो इस डेटा से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एमबी, जो आप सिंपल डिप्रेशन में फाइंड करते हो उस वे से पहले आप एमबी को फाइंड करो, ठीक है। सपोज करो एमबी की वैल्यू हमारे पास आई एक्स, क्लियर। एमबी कितना आ गया, क्योंकि एमबी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख भी देती हूँ मैं एक बार, डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू क्या होता है यहाँ पे केएफ ओवर डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ। ये देखो के एफ पता है, डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, डेल्टा टी एफ पता है, ये सारी वैल्यूज पुट की। सपोज हमारे पास एमबी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स, ठीक है। अब देखो एक एमबी एक्स है, ये कौन सा एक्स है, मतलब जो ऑब्जर्व, जो हमने फाइंड किया, क्लियर। एक एमबी हमें पता है जो उसके मोलर मास से दिख रहा है, जो मतलब केसीएल का मोलर मास जो होता है नॉर्मल मोलर मास, वो उसका क्या होगा, नॉर्मल। सो अभी देखो एक तो है एमबी ऑब्जर्व मोलर मास, एक है नॉर्मल मोलर मास। आपको मैंने आई का फॉर्मूला करवाया हुआ है कि एक होता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलर मास। सो मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सो ऑब्जर्व की जगह यहां पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ठीक है। नॉर्मल मोलर मास हमारे पास कितना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था 74.5, केसीएल का 39 प्लस 35.5 ऐड करके कितना बन गया 74.5, और ऑब्जर्व्ड कितना आया हमारे पास, x, ठीक है। अब i की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। नाउ व्हाट इज i, वांट ऑफ फैक्टर। तो ये किसके लिए फाइंड किया, केसीएल के लिए। अब हमने फाइंड करना है अल्फा, तो अल्फा का देखो जब वांटो फैक्टर के किए थे ना हमने थ्योरी, तो उसने करवाया था कि एसोसिएशन कैसे होती है, डिसोसिएशन कैसे होती है। वो देखो केसीएल है, केसीएल ब्रेक हो रहा है के पॉजिटिव सीएल, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दे रहा। सपोज करो स्टार्टिंग में ये थे 1, ये कितने थे 0 0। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम टी कितने बने, अल्फा अल्फा, ये कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा। तो ये जो है ये है अब टोटल मोल्स कितने प्रेजेंट है, टोटल कितने बन गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, सो कितना आ गया 1 प्लस अल्फा। ये हमारे आए ऑब्जर्व्ड मोल्स, ठीक है। उसके बाद जो आई की वैल्यू होती है वो ऑब्जर्व्ड, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि मोल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व्ड मोल्स ओवर नॉर्मल मोल्स। नॉर्मल कितने थे स्टार्टिंग में, 1, ठीक है। ये सारा कुछ आपने थ्योरी में किया हुआ है, क्लियर। सो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ओवर 1,
तो आई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी, कितनी थी यहाँ पे 74.5 ओवर एक्स वन प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे कितनी आएगी, 74.5 ओवर एक्स माइनस वन। क्लियर, सो यहाँ से अल्फा आ जाएगा और जितना अल्फा आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी अल्फा आएगा ठीक है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी परसेंटेज। ओके, सो इस मेथड से इसको फाइंड करना है। बेटा पहले आपको वांट ऑफ फैक्टर की न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पहले थ्योरी क्लियर है कि होना क्या है फाइंड, मतलब इसको रट्टा नहीं लगाना आपने कि ऐसे ही नहीं कि हाँ ये करना है अब इसके बाद, आपको खुद को पता होना चाहिए कि इसके बाद कौन सा स्टेप है, आई फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है। सो आई को हम दो मेथड से फाइंड करते हैं, एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, दूसरा मोलर मास से। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में डेटा किस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने ऑब्जर्व मोलर मास यूज करना है या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्लियर, सो मोल्स को यूज करना है या किसको यूज करना है, ठीक है। सो पहले थ्योरी अच्छी से करो, अगर किसी को नहीं भी आती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो वहां से जाके पहले आप उसको पहली वीडियो को देखो जहां पे वांट ऑफ फैक्टर की थ्योरी है, ठीक है, तो उसके बाद ये बहुत इजी लगेंगे आपको न्यूमेरिकल्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं एक और क्या आ सकता है। ओके बेटा नेक्स्ट देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.1 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एंड मोलैलिटी। के भी गिवन है, मोलर मास गिवन है, ठीक है। अगेन हमने क्या फाइंड करना है, एक तो आई फाइंड करना है, दूसरा स्मॉल एम दैट इज मोलैलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एम को, ठीक है। एम का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखो डब्ल्यू बी कितना गिवन है, 3.1 इंटू 1000 ओवर एम बी हमें दिया हुआ है 208.3। डब्ल्यू ए गिवन है कितने ग्राम वाटर में डिजोल्व किया, 250। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास मोलैलिटी की। ये तो सिंपल था जो हमने फर्स्ट मतलब इसका जो टॉपिक था लेसन का मोलैलिटी उसके बेस पे कर दिया, ठीक है, ये तो था बिल्कुल सिंपल। अब फाइंड करना है आई, आई के लिए हमें चाहिए एम बी। एम बी पहले हम जो डेटा गिवन है उससे ऑब्जर्व मोलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है। वो देखो ऑब्जर्व मोलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है हमारे पास फॉर्मूला एम बी का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखो KB की वैल्यू गिवन है 0.52, WB इज 3.1 इंटू 1000 डेल्टा TB। अब उसने बोला वाटर कितने में बॉइल हुआ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है TB दिया हुआ है 100.083 डिग्री सेल्सियस। TB नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो आपको पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो डेल्टा TB कितना आ जाएगा 0.083 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी, WA हमें गिवन है 250, तो यहां से हमारे पास MB की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ये जो MB आया ये क्या था, ऑब्जर्व्ड। एक नॉर्मल MB गिवन है वो कितना था हमारे पास 208.3। ओके, सो I की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, I विल बी नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व्ड। सो नॉर्मल कितना है 208.3 ओवर ऑब्जर्व्ड x, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया इसका फॉर्मूला और i की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, ठीक है। बुक में किसी और मेथड से दिया हुआ, उसने पहले डेल्टा TB फाइंड की है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे है, लेकिन i को निकालने के दो मेथड है, एक तो आप नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व को कंपेयर करके कर सकते हो, या फिर दूसरा है मोलर मास को कंपेरिजन में लेके कर सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि आपने पहले मोलर मास के बेस पे ही की है, ठीक है, और वो ज्यादा इजी है, क्लियर। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगी कि नहीं जी डेल्टा TB तो है, तो डेल्टा TB हमने क्यों फाइंड किया, ठीक है। सो इसलिए इसी मेथड से करो। ओके, सो नेक्स्ट है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml इज डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस मच, कैलकुलेट आई वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के भी गिवन है, देखो पहले आई फाइंड करना है, आई के फॉर्मूले को फिर दोबारा जब ओपन करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास के,
क्या आएगा, के डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या होता है जो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में किया हुआ है कि के की वैल्यू लिखते हैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उस बेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के। ठीक है, सो सबसे पहले आई, आई के लिए देखो हमें क्या चाहिए, किसकी बात की हुई है इसमें, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मोलर मास फाइंड करते हैं। क्लियर, अब देखो गिवन क्या है, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मतलब WB है जो वो वॉल्यूम दिया हुआ है 0.6 ml, लेकिन उसने साथ ही बोला हैविंग डेंसिटी, इसका मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी है वो एसिटिक एसिड की गिवन है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितनी है 1.06, मास मुझे नहीं पता, ये मैंने फाइंड करना है, वॉल्यूम कितना है 0.6, सो मास दैट इज डब्ल्यू बी, ये कितना आ गया 1.06 इंटू 0.6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए कितना है हमारे पास, 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स 1000 ml, 1000 ml अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम, अगर हम डेंसिटी को क्या लें 1 ग्राम पर ml, ये अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर तो गिवन है ठीक है, अगर नहीं गिवन तो फिर आप उसको 1 assume करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब WA भी पता है, WB भी पता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF ये भी पता है 0.0205, KB की वैल्यू, सॉरी दिस वन इज KF, KF इज 1.86 ये भी गिवन है। ठीक है, तो इस पूरे डेटा से हम क्या फाइंड करेंगे, MB, MB किसके इक्वल होता है कि KF 1.86 इंटू WB, वो है हमारे पास 1.06 into 0.6 multiply by 1000 divided by क्या आएगा डेल्टा टी एफ 0.025 into क्या आएगा WA, WA is 1000। ठीक है, तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, MB, सपोज करो MB की वैल्यू हमारे पास आ गई X, MB की वैल्यू कितनी आ गई X, अब एक MB ये है जो हमने फाइंड किया ऑब्जर्व, एक नॉर्मल है, नॉर्मल एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास CH3COOH, इसका नॉर्मल मास देखो 12 + 3 = 15, 15 + 12 + 32 + 1 ये कितना आ जाएगा 60 आ रहा है ना, 3 + 2 = 5, 7, 9, 10, 0, yes it is 60। क्लियर, अब देखो आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, कि I इक्वल टू नॉर्मल मास 60, ऑब्जर्व मास X। ठीक है, यहां से I आ गया, अब देखो उसने बोला क्या है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका मतलब वो कह रहा है कि एसिटिक एसिड है जो वो डिसोसिएट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते होते हैं, कि जो हमने वांटो फैक्टर में किया था कि अगर डिग्री है ना इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, सो एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, किसमें डिसोसिएट होगा, एसिटेट आयंस एंड एच पॉजिटिव आयंस, अगर सपोज करो पहले थे ये 1, ये कितने थे 0 0, अगर ये बने अल्फा अल्फा तो ये कितना बच गया अनडिसोसिएट, कितना रह गया 1 - अल्फा। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन हो ठीक है, सी की वैल्यू, तो वो क्या होता है, सपोज सी को सी ले लो, एम ले लो, जो मर्जी ले लो, सपोज हमने एम ले ली, सपोज इसकी एम कंसंट्रेशन थी, ठीक है, तो M, ये भी M, यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, मतलब जो कंसेंट्रेशन होती है वो सब जगह मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो कंसेंट्रेशन कितनी है, अगर कंसेंट्रेशन फाइंड करनी हो, कंसेंट्रेशन मींस मोलैरिटी और मोलैरिटी, तो हमारे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, चाहे आप 1 लीटर दिया हुआ है, चाहे मोलैरिटी देख लो, चाहे मोलैरिटी, लेकिन हम क्या देखेंगे स्मॉल M, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन का फिर चक्कर पड़ेगा, स्मॉल M देखो। देखो अब मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, पहले मास ओवर मोलर मास 0.6 इंटू 1.06, ये क्या है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास, मोलर मास यूरिया का कितना है 60, अब देखो इंटू यहां पे क्या लगाते हैं 1000 डिवाइडेड बाय मोल मास ऑफ वाटर, वो भी कितना है 1000 के साथ 1000 कट गया ओवर 10, तो 666 गए 1.06, या जो फाइंड कर लो ये हमारे पास आएगा 0.0106। ठीक है, ये जो 0.0106 है ये कंसेंट्रेशन है, ये M की वैल्यू है हमारे पास, क्लियर,
अब देखो आई की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ऑब्जर्व्ड ओवर नॉर्मल। ऑब्जर्व्ड कितनी है, एम इंटू वन माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा प्लस एम अल्फा। अगर हम एम को कॉमन निकालें ओवर वन या ओवर एम, क्योंकि वन एम है ना, तो ओवर एम। अब देखो यहां से एम को कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकालेगा तो वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, वो सेम है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एम के साथ एम कैंसिल, तो क्या बच गया आई इक्वल टू वन प्लस अल्फा। तो आई हमें पता है, आई हमने पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड किया, 60 ओवर एक्स आया था। तो अल्फा यहां से फाइंड करो, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस अभी तक कंसंट्रेशन यूज नहीं हुई क्योंकि वो कैंसिल हो गई, ठीक है। जब फाइंड करोगे ना तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी 0.041। ये सिंपल कैलकुलेशन है, करो तो उसके बाद आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.041। अब देखो कैलकुलेट आई, क्वेश्चन में था आई फाइंड करो, आई तो कर लिया, अब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट उसको भी फाइंड करना, तो वो कैसे करते, सॉरी यहाँ पे था पहले 1m फिर m इंटू वन माइनस अल्फा, ये हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट क्या होता है, k k इक्वल टू दिस कंसेंट्रेशन, दिस कंसेंट्रेशन ओवर दिस कंसेंट्रेशन, ठीक है। सो m अल्फा की कंसेंट्रेशन, m अल्फा की कंसेंट्रेशन ओवर m माइनस m वन माइनस अल्फा की कंसेंट्रेशन। अब देखो अल्फा हमने फाइंड कर लिया, अल्फा कितना आया था हमारे पास 0.041, एम की वैल्यू कितनी आई थी, एम इज 0.0106, ये दोनों हमने फाइंड किए हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, और एम इंटू वन, सॉरी ये भी पता लग गया, ये भी, और एम वन माइनस अल्फा, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, ओके। So, इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से मतलब मुश्किल हैं, कि मुश्किल इन द सेंस कि आपको पहले देखना पड़ता है कि क्या है, लेकिन एक बार आप फॉर्मूला अगर कर लोगे ना कि डिसोसिएट कैसे हो रहा है, ये फॉर्मूला कैसे बना, एसोसिएट कैसे हो रहा है, वो फॉर्मूला कैसे बना, तो फिर इजी लगेगी आप, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दिया करो, ठीक है, ओके, थैंक यू।